बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो चलिए आज मैं आपको इस शर्ट का, इस फैंसी शर्ट का नेक जो है वो रेडी करना बताऊंगी। अगर कोई भी आपके पास फैंसी शर्ट है तो आप उसका नेक सेम उस साइज़ के अकॉर्डिंग रेडी करना चाहते हैं, या कोई एम्ब्रॉयडरी वाली आपकी शर्ट है उसका आपने नेक बनाना है, तो मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊँगी कि जिसके साथ आप इसको बिल्कुल जो है वो सफाई के साथ रेडी करेंगे। इस तरह के नेक को रेडी करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगी। आपने वीडियो पूरी एंड तक वॉच करनी है ताकि आपसे वो चीज़ें मिस ना हो। नेक आपका किसी भी शेप का हो तो आपने उसको इसी तरीके से रेडी करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी जो लेंथ है वो 5 इंच है, तो मुझे जो इसकी नेक की रेडी लेंथ चाहिए वो 4 चाहिए, तो मैं 4.5 रखूँगी। और जो इसकी आपने चौड़ाई देखी है वो इसकी इस सिंगल में 8 है, यानी डबल फोल्ड करेंगे तो वो 4 होगी। तो इसकी जो चौड़ाई है वो हमें उतनी ही चाहिए जितनी इसकी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको कैसे रेडी करना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो ये इसकी मैंने चौड़ाई यहाँ से 4 पे मार्क कर ली है। अब इसकी लेंथ जो है मैंने 4.5 पे मार्क करनी है। हाफ इंच जो है हमारा ऊपर सिलाई में आ जाएगा और हमारा 4 नेक जो है वो रेडी होगा। आपने इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद आपने लाइनें स्ट्रेट लगा लेनी है, ताकि इस तरह जब भी आपने बोट नेक बनाना है आपने यही मेथड आपने यूज़ करना है कि इस तरीके से आपने चौड़ाई और लेंथ का निशान लगा के और आपने बॉक्स बना के तो फिर आपने इसको राउंड शेप में ड्रॉ इस तरीके से कर लेना है। ये मैंने कट कर रही हूँ। इसको हम अपनी शर्ट के ऊपर रख के देखेंगे कि हमारे वो साइज़ के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं। तो ये थोड़ा सा यहाँ से मैं और कट करूँगी। आपने इसी तरीके से करना है। आपने कट कर लेना है, जो भी आपकी नेक की शेप है आपने उसके अकॉर्डिंग अपने नेक को कट करना है। आपने इसके ऊपर रख के इसको इस तरीके से आपने चेक करना है। बिल्कुल लाइनिंग के साथ साथ आपका वो जो पेस्टिंग पेपर है वो आना चाहिए। पेस्टिंग पेपर के बगैर भी आप नेक कट करके बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही ढीला ढीला लटकता हुआ जो है नेक होता है तो वो बिल्कुल भी सूट नहीं करता। इस तरह पेस्टिंग पेपर को अटैच करने से आपके जो नेक है उसमें बैलेंस आ जाता है, तो आपका जो नेक है वो नीचे को ज़्यादा नहीं लटकता। फैंसी ड्रेसेस की शर्ट्स हमारी ऑलरेडी हैवी होती हैं, तो इसलिए आपने पेस्टिंग पेपर के ऊपर ही नेक अपना रेडी करना है। तो ये मैंने अंदर से जो इसका निकला था वो मैंने रख के तो उसके अकॉर्डिंग जो है इस तरीके से आपने अपने नेक को पेस्ट कर लेना है, क्योंकि इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बिल्कुल आपका एग्जैक्ट साइज़ ही रेडी होगा, आगे पीछे या बड़ा छोटा नहीं होगा। तो इसलिए ये आपने हाफ इंच का साइडों से मार्जिन जो है वो रख के इसको कट कर लेना है। बाद में आप इसको जो है वो स्टिच कर लीजिए या ग्लू की मदद से आप इसको चिपका लीजिए। अब यहाँ से आपने इस शर्ट का एग्जैक्ट सेंटर करना है, उसको आयरन की मदद से आपने इस तरीके से उसकी लाइन जो है वो सेट कर लेनी है। बिल्कुल आपका एग्जैक्ट यहाँ से सेंटर होना चाहिए। इसके ऊपर आपने इस तरीके से मार्क कर लेना है शर्ट के सेंटर के ऊपर, और जो नेक आपने रेडी किया है नेक को भी आपने इस तरीके से सेंटर जो है उसका सेट कर लेना है। अब यहाँ से आपने शर्ट के सेंटर को नेक के सेंटर के साथ इस तरीके से आपने अटैच करके एक सेंटर में पहले एक सीधी लाइन लगानी है। ऊपर से याद रखिएगा कि आप हमने जो हाफ इंच का मार्जिन है वो छोड़ना है शर्ट का एक्स्ट्रा। तो यहाँ तक आपने इसकी लाइन जो है वो लगा लेनी है, स्टिच कर लेना है आपने इसको। अब यहाँ से जो मेन चीज़ है वो हमने जो मशीन का डबल पाँव होता है उसको हमने उतार के, तो जो मशीन का सिंगल पाँव होता है बाज़ार से ये इजीली मिल जाता है, तो ये जो है मेरे पास है, तो मैं इसको जो है वो सेट कर लूँगी। इसकी मदद से हम बाकी का जो नेक है वो स्टिच करेंगे, क्योंकि हमारी जो है वो नेक जो है वो फैंसी है तो बीड्स वर्क हुआ है, तो इस वजह से मैंने ये वाला यूज़ किया है। आपने भी इसी तरीके से इसको करना है। तो यहाँ से हम पहले इधर वाले नेक को स्टिच कर लेंगे, बाद में हम दूसरे वाले साइड के नेक को स्टिच करेंगे। आपने एहतियात करनी है कि जो आपके जो वर्क है आपका बीड्स वर्क हुआ है वो आपका नीडल के नीचे ना आए, तो एहतियात से आपने बिल्कुल साथ साथ रख के इस तरीके से स्टिच नेक कर लेना है।